गौरव भाटिया, अब आपका नंबर बताइए, सेना पर दबाव है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं पीडीपी के साथ। खैर मैं केवल इतना कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि केंद्र सरकार ने कभी भी ऐसी कोई सैंक्शन नहीं दी थी, और आज पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी देश की सेना के साथ खड़ी है और जवानों का मनोबल जो है आसमान छुए, यही हम चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ऐसी गतिविधि हो लेने का मौका उनके पहले मनोबल के नुकसान दें। क्रेडिट लेने का मौका आप पहले 30 सेकंड में पकड़ते हैं, लेकिन बात यह खत्म नहीं हो गई है यहां इस बात से कि आज अदालत में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कह दिया कि इनका नाम नहीं है एफआईआर में। बात यहां से शुरू होती है। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने क्या कहा रोहित, आप बताइए। गौरव जी सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, इंडिया जो केंद्र सरकार के पहले अधिवक्ता, केंद्र सरकार का मुंह अलग दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में एक ही पार्टी है। समझे इस बात को गौरव भाटिया, आपका चेहरा दिल्ली में अलग और श्रीनगर में अलग नहीं हो सकता। मैं जानकारी दे दूं, यहां है वहां पर, यहां आप नहीं, आपको सुनिए आप मेरी बात। अगर आप आफ्सपा का जो एक्ट है सेक्शन 7, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बॉडी होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग, आर्मी के ऑफिसर के खिलाफ बिना केंद्र की सरकार के अनुमति के कोई मुकदमा नहीं चल सकता। यही कहकर आई थी ना कि ये अलग अलग वाला सिस्टम बदल जाएगा, अब हम जब दोनों जगह होंगे तो नीतियां भी एक जैसी हो जाएंगी। अब मेरे सवाल बिशंबर दयाल साहब, ये तो हमारा भारत का कानून कहता है। सर एक सेकंड, सर कम से कम आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का जो स्टैंड है वो आज स्पष्ट हो गया। सर एक सेकंड, केंद्र सरकार तो पहले दिन से कह रही थी, बीजेपी भी पहले दिन से कह रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती से नहीं कहलवा पा रही थी, सवाल इसी बात को लेकर हो रहे थे। बिशंबर दयाल साहब, क्या इन दोनों चीजों में कनेक्शन देखना हमारा गलत है कि एक तरफ अदालत में जम्मू कश्मीर की सरकार पलट जाती है और दूसरी तरफ इधर सेना को पलटना पड़ता है कि नहीं, जो मारे गए वो ओवरग्राउंड वर्कर्स नहीं थे, वो सिविलियंस थे, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जांच का विषय। देखिए रोहित, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट सेटअप है आज जम्मू एंड कश्मीर में, ये इस देश की जो हमारी 30 साल के सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने 3 साल के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया, एक नई आबादी पैदा कर दी जो भारत के खिलाफ है, जो ऐसे आइडिया पे ले आए उस पॉपुलेशन को कि 30 साल आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। मेरे ये पॉइंट नोट कर लो रोहित, मैं बहुत दिन से जम्मू एंड कश्मीर पे आपके साथ जी न्यूज पे भी बोलता रहा हूं कि जो पीडीपी की सरकार है वो हमेशा ऐसी स्टेटमेंट है, शूट एंड स्कूट, ऐसे नहीं होता है, ये जिम्मेवार लेता नहीं है, ये जिम्मेवारी है, ये शूट एंड स्कूट करते हैं जिससे अंदर से एक, यहां बीजेपी को फायदा, वहां पीडीपी को फायदा, देश जाए जन्नत में। और ये कह रहे हैं हम सेना के साथ करें, साहब आप कौन है सेना के साथ खड़े होने वाले, सेना इस देश का हिस्सा है, ऐसे बोलते हैं आके टीवी पे कि हम सेना के साथ खड़े, जैसे सेना पाकिस्तान से आई थी ये उसके साथ है। अरे भाई कोई कोई शान कर रहा है सेना पे, कैसी छोटी बातें बोलते हैं आके, सेना इस देश की है, इस देश की हिफाजत के लिए। रोहित हम हमने मार खाई थी श्रीलंका में, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल कॉज, हमारा कॉज सेना लड़ती है, जहां सेना को कॉज हो। शुक्र करो अभी सावंत ने 2014 के एक इंसिडेंट की बात की, शुक्र करो हमारे ऊपर उन्होंने, मूर्खों ने उरी किया और हमारी सेना में एक मनोबल बढ़ा, वरना वो इतना घातक इंसिडेंट था 2014 में। आपने पूरे यूनिट के 11 की 11 पोस्ट कमांडर जिन्होंने फायर किया, जो कि एसओपी के तहत था। मैं रोहित थोड़ा कहना चाहूं, ये सब जो है देश को बहुत नुकसान कर सकता। ठीक है, स्टोन पेल्टिंग का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, फिर से अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने ही कहा कि स्टोन पेल्टिंग जब होती है तब सेना जो है वो केवल लास्ट रिजॉर्ट में जो है पैलेट गन्स का इस्तेमाल करती है, और मेजर आदित्य में भी हमारा स्टैंड स्पष्ट है। और जो ये आपको नंबर याद है, कितने स्टोन पेल्टर से मुकदमे वापस लेने का काम किया है, याद है आपको नंबर नहीं, और कितनों पे मुकदमे चल रहे हैं सर। रोहित जी अच्छा चलिए आप बताइए, आप बताइए सर, सर आप बताइए कितनों पे मुकदमे चल रहे हैं और कितनों से वापस लिया आपकी सरकार ने पिछले एक महीने में, बताइए सेपरेटिस्ट के ऊपर कार्रवाई किसने सर, 9 सेपरेटिस्ट नेताओं के नाम छोड़ के, लेकिन सेपरेटिस्ट पहली बार 9 सेपरेटिस्ट नेताओं के नाम गिनती के रुपया लेने के आरोप पे गौरव भाटिया, भारतीय जनता 9 सेपरेटिस्ट नेताओं के नाम है गिनती के, जिनको इस देश में कोई जानता भी नहीं होगा और जिनको सेपरेटिस्ट नेताओं के तौर पे जानते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आज भी खुलेआम भाषण दे रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, उनके आपने 9000 मुकदमे वापस लिए करारदादों से, क्या उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं सेपरेटिस्ट के खिलाफ है, नहीं क्या कार्रवाई की, कार्रवाई बंद होगी, आप ये मानेंगे रोहित जी, मैं आपको बताऊं पहली बार सेपरेटिस्ट जिनको कांग्रेस दामाद की तरह
ट्रीट करती थी उनको जेल की सलाखों में डाला है। जो चार्जशीट फाइल, जम्मू कश्मीर के 5 बड़े अलगाववादी नेताओं के नाम बता सकता हूं जिनको ये देश पिछले 35-40 साल में अलगाववादी नेताओं के तौर पे जानता है और वो आज भी खुले घूम रहे हैं। वटाली के वो जेल में नहीं है, हुई कि नहीं हुई, उन्होंने अखिलेश प्रताप सिंह कोई क्या सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार सेना को दबाव में लाती है एफआईआर के आड़ में उसको, और दूसरी तरफ सेना अगले दिन 24 घंटे के भीतर अपने बयान से पलटती है। क्या सेना राजनीतिक दबाव में है? देखिए, जो बीजेपी है उसे सत्ता चाहिए, वो दिखावे के राष्ट्रभक्त हैं। आप याद करिए चुनाव के पहले पीडीपी के लिए क्या क्या बीजेपी और माननीय मोदी जी के क्या क्या विचार थे, क्या क्या अलगार उगलते थे पीडीपी के खिलाफ, आतंकवादियों से क्या क्या रिश्ते जोड़ते थे, उसी के साथ समझौता किया, उसी के साथ सरकार बनाई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मोदी जी के बगल में मुफ्ती साहब बैठे थे, उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को धन्यवाद तक दिया, लेकिन जिस सेना ने पीसफुल चुनाव घाटी में कराया उसके प्रति एक लफ्ज भी न मुफ्ती साहब ने धन्यवाद दिया न माननीय मोदी जी ने धन्यवाद दिया। उसके बाद तमाम चीजें आती नहीं, ये सत्ता का सुख भोगते रहे। यहाँ तक मुफ्ती साहिबा कह गए कि तिरंगे को कांधा देने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। फौजियों पर एफआईआर लिखाया जाने लगा, गोगोई से लेकर के यहाँ तक आज बता रहे हैं कि नाम नहीं है। अरे भाई, 2 महीने से बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट से लगाए मीडिया में, आज आपको जानकारी मिली कि उनका नाम नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे मुफ्ती साहिबा हो, पहले क्यों नहीं बताया? क्या मामला था, कैसे था? असेंबली में तो बता रहे कि मैंने रक्षा मंत्री से बात कर ली। ये जो स्तर है ना कि हमें सत्ता सुख चाहिए किसी भी कीमत पे, किस तरह से वहां की सरकार हुकूमत जो है वो आतंकवादियों से सिंपथाइजर है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो एक आतंकवादी को भगाया अस्पताल से, उसके अलावा जो पत्थरबाजों से जो प्यार है और फौजियों पे जो एफआईआर है वो किसी से छुपा नहीं है। और बीजेपी कभी भी ये नहीं बोलती कि ये गलत है या दबाव बनाती है, बस सत्ता सुख में भोगते जा रही है। और कुछ भी हो, आप देखिए जब से आए हैं तब से पहले शुरू में पाकिस्तान के झंडे लगने शुरू हुए, नारे लगने शुरू हुए, ऐसा ही कहना शुरू हो गया, सरकार के समर्थन होता रहा। सेना ने जितनी कार्रवाइयां की हैं जो मैं समझ पाता हूं, वो उसने अपना नेटवर्क बनाया स्टेट गवर्नमेंट से अलग, तब वो आतंकवादियों पे कामयाबियां होने लगी लोकल इनपुट इंटेलिजेंस के लेकर के। लोकल तो सहयोग मिलता नहीं है, ये तो क्षण के सामने आ ही जाता है। ठीक है,